उसी वंश में खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे रघुवंश चला और रघुवंश रघु जी के हुए अज और अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए हो मंगल भवन अमंगल भारी द्रभु सुदशरथ अरे बिहारी सिया राम जय जय राम सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए और मस्ती मनाते रहिए जय जय राम हो हरि अनंत हरि कथान कहि सुनई कहो वेद सब सिया राम जय जय राम
मही पाला चरण लाग कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु सुनायो तब वशिष्ठ प्रभु विद समझायो रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलांबुजश्याम मलको मलांगं सीता समारोपितमहाभागं पाण्डो महासायक चारुचाप नमामि भगवान श्री राम के प्राकट्य महोत्सव की ओर बढ़े। महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जिनके तीन विवाह हुए, एक रामायण के अनुसार रामचरितमानस मर्यादित ग्रंथ है, इसलिए इस रामायण में सिर्फ तीन विवाहों का वर्णन है, सिर्फ तीन, कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी, ये तीन विवाह दशरथ जी महाराज ने किए। लेकिन एक रामायण में ऐसा भी वर्णन आता है कि दशरथ जी ने 700 विवाह किए, एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है 700 707 मैंने 700 सुने वो 707 हो। लेकिन नाना बांध राम अवतारा रामायण सतकोट अपारा, लेकिन हम लोग रामचरित मानस को मानते हैं, इसलिए तीन विवाहों की चर्चा की गई है। तीन विवाह वजह बोले एक पुत्र का मुख देखना, सावधान पूर्वक सुनना, जब तक संसार से सलाह लेते रहोगे संसार संसारिक सलाह देता रहेगा। वैसे तो रघुवंश में पुत्रों की समस्या ऑलरेडी रही हमेशा, कि आसानी से कोई यज्ञ से, कोई फल से, कोई जल से, कोई ऐसे ही पुत्र होते हैं, और इन सबको पुत्र प्राप्त कराने में गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा हाथ। अब दशरथ जी के भी पुत्र नहीं, तो अपना दुख गुरु जी के चरणों में जाकर, मैं हमेशा कहता हूं अपना दुख दुनिया वालों के आगे मत रोना, जब तुम अपना दुख दुनिया के आगे रोते हो तो दुख घटता नहीं बढ़ता। तुलसी परगर जाए के दुख नहीं कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनों जगत हसाई। दुख रोने के लिए दो ही जगह है, या तो गुरु के द्वार पर जाके रो दो या गोविंद के द्वार पर जाके रो दो, फिर रोना नहीं पड़ेगा। धीरे बजाओ और धीरे बजाओ मेरे बच्चे, आलसी कहीं के। बस करो। गुरु जी के चरणों में दशरथ जी जाकर रोने लगे। दशरथ जी ने कहा कि महाराज सब कुछ दीना आपने राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दिया ना हमको राम। सब कुछ है पर संतान का सुख, संसार में सबसे बड़े चार सुख हैं गृहस्थी के लिए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। आज्ञाकारी पत्नी भी, सुलक्षणा नारी भी है, धन भी है, परिवार भी है, निरोगी काया भी है, तीन सुख है महाराज, पर एक सुख नहीं है, क्या? बोले पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी बोले देखो तुम्हारे पुत्र तुम्हारे शुक्र से होंगे भी नहीं। एक और रामायण का प्रसंग सुना रहा हूँ अलग से। अभी अयोध्या है, राम जी का महल है, यहाँ तो राम जी का राज्य है, आप तो राम जी की हरेक लीला से वाकिफ हैं, हम ब्रजवासी हमें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, पर फिर भी आप जैसे संतों के मुख से जो सुना है वो नए नए अनुभव सुना देते हैं।
वशिष्ठ जी महाराज बोले तुम्हारे शुक्र से पुत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले जब रावण को पता चला कि तुम्हारे शुक्र से जो पुत्र जन्म लेगा उसका काल होगा, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से तपस्या वरदान मांग लिया तपस्या के बाद कि दशरथ जी के शुक्र से कोई पुत्र ही ना हो, तो उसी का फल है। अब तो दशरथ जी रोने लगे, मैंने ब्रह्मा जी का क्या बिगाड़ा, मैं तो देवताओं की बड़ी पूजा करता, अब मेरे घर में पुत्र ना हो ये तो बात ठीक नहीं। बोले तुम्हारे शुक्र से पुत्र नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे घर में पुत्र होगा। धरहु धीर, कितने चाहिए? बोले महाराज एक ही मिल जाए। जिसके पुत्र नहीं होता उसको देखो कैसे कैसे रोता है, अंधा भेड़ा लंगड़ा लूला कारा गोर, कैसे भी मिल जाए महाराज, एक मिल जाए। अरे मुसीबत क्यों मांगते हो भगवान से? अरे मांग ही रहे हो तो भीख क्यों, भीख मांग रहे हो तो ढंकी मांगो ना। भगवान से मांगना हो तो ये मत मांगना कि कैसा भी दे दे, भगवान से मांगना हो तो ऐसा मांगना, ऐसा देना महाराज जो जीवन भर तेरे चरणों की सेवा करेगा, जीवन भर। सुमित्रा माँ की चौपाई याद रखिए, लक्ष्मण को कहती है पुत्रवती जुवती जग सो रघुपति भगति जस सुत होई, न तरु बांझ रहे बांझ बिहानी, राम विमुख सुत दे बड़ी हानि। अगर पुत्र हो तो राम भक्त हो, और अगर राम भक्त पुत्र ना हो तो कोई पुत्र ही ना हो। आज के लोग इस भाषा को नहीं समझेंगे, आज के लोग स्वार्थी हैं, वो कहते हैं राम भक्त नहीं माँ बाप का भक्त हो। अरे जो राम का भक्त नहीं हो सकता वो माँ बाप का भी भक्त नहीं हो सकता। जो राम को न जाने, जो राम को न माने, वो माँ बाप को क्या मानेगा? जो जन्म जन्म के माँ बाप को न माने, वो एक जन्म के माँ बाप को मानेगा? इम्पॉसिबल माय डियर, हो ही नहीं सकता। इसलिए राम भक्त हो, और जिनके घर में औलाद भक्त नहीं है उनको उनका दुख दिखता होगा, मेरी बात से वो सहमत होंगे। बोलो कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जो जो है हाथ उठाओ। जिनके पुत्र भक्त नहीं है माँ भगवान के, क्या वो आपकी सेवा कर रहे हैं? कई लोग हैं जो मजबूरी में सिर्फ रखते हैं घर में, सेवा नहीं करते। तो गुरुजी ने कहा कितने चाहिए? बोले एक, एक ही मिल जाए। बोले एक नहीं मिलेंगे, चार मिलेंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटी अग्नि चरु कर लीने, ये अभी बांट दे न बजाय, ये प्रसाद ले जाओ, पुत्र होंगे चार सुंदर, ये हमारा वरदान है। अब एक और प्रसंग मन में आ रहा है, आप पे समय हो तो कह दें, और नहीं भी हो तो हम तो किंगे, जिन पे नहीं है वो अपने घर जाओ, हम तो यहाँ कथा कहने ही आए, और कुछ करने तो आए नहीं हम, और तो पूरे दिन चक्क मलीदा मारते। महाराज जी की बड़ी कृपा है, कभी मालपुआ मिलते हैं, कभी समोसा मिलते हैं, तो फिर और भजन बढ़ा के जाएंगे जैसे, और क्या हो, रोज मेहनत करते हैं भजन घटाने की, पर यहाँ भजन बढ़ के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब महाराज जी के इतने व्यंजन फिर कब मिलेंगे पता नहीं, भगवान जाने, तो पहले चकाचक हो के चलो, और क्या। तो महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग है, एक संत के मुंह से सुना कि हनुमान जी राम जी के ही भैया हैं, राम जी के ही भैया हैं। बोले महाराज ऐसे कैसे कह रहे हो? सुनो, जब ये प्रसाद वितरण हो रहा था, तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया गया, तो जब ये प्रसाद पाने लगे तो छत पे गए और वहां एक चील आई, सुमित्रा के हाथ से वो प्रसाद लेके उड़ गई, और सुमित्रा मैया रोने लगी। कौशल्या माने का कहीं सांप मत दे देना गुस्से में आके, कहीं चील को सांप दे दो। बोले मैं गुस्से में नहीं, मैं तो अपने दुख में रो रही हूं कि भगवान देखो कितनी बड़ी बात है कि यज्ञ भी हुआ, फल भी मिला, प्रसाद भी आ गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस यज्ञ के बाद भी मां नहीं बन सकूंगी। कौशल्या माँ कहते ऐसा मत कहो, तुम मां बनोगी, तुम दुर्भाग्यशाली नहीं, तुम भाग्यशाली हो। हम तो एक एक बाल गोपाल की मां बनेंगे, लेकिन तुम दो बाल गोपालों की मां बनोगे।
एक प्रसाद चला गया, अब दूसरे दो दो कहां से होंगे। बोले अभी हमने अपना प्रसाद पाया नहीं, हम अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग तुम्हें देंगे, इसलिए तुम्हें दो बट मिलेंगे, दो भाग मिलेंगे, इसलिए तुम्हें दो पुत्र होंगे। केकई का भी प्रसाद और फिर कौशल्या माँ का भी आधा आधा प्रसाद सुमित्रा माँ को दिया गया। सुमित्रा माँ ने भी प्रण कर लिया, कौशल्या के प्रसाद से जो पुत्र होगा वो हमेशा कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा, और केकई के बट के प्रसाद से जो पुत्र होगा वो हमेशा केकई के पुत्र की सेवा करेगा। ये प्रण कर लिया। दोनों का चरित्र देख लो, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का, दोनों का चरित्र देख लो। तो हम बात कर रहे थे हनुमान जी की, वो चील कौन है जो ये प्रसाद ले गई? ये चील साधारण तो नहीं हो सकती, राजमहल से प्रसाद ले जाना आसान बात है। कौन है वो चील? वो चील है ब्रह्मा जी के अखाड़े की अप्सरा, नृत्य कर रही थी, बहुत जल्दी बोल रहा हूं। इंद्र आए, उनको नृत्य अच्छा लगा, उन्होंने हार उतार के इसकी तरफ बढ़ा दिया, इसने नृत्य रोक दिया, ब्रह्मा जी कुपित हो गए, नृत्य की गति रोक दी, तूने साफ देता हूं चील हो जा। गलती का एहसास हुआ तो फिर कह दिया ठीक है, जब सुमित्रा के हाथ से प्रसाद माँ अंजना को दे दोगे तो तुम इस चील योनी से मुक्त हो जाओगे। तो वो सुमित्रा मैया के हाथ से प्रसाद जहाँ अंजना माँ तपस्या कर रही थी, उन अंजना माँ को जाकर उस चील ने दे दिया। तो वो अपना एक भक्त का कार्य हो गया, अच्छा कार्य हो गया, उस सत्कर्म की वजह से वो चील योनि से मुक्त हो गई, और उसी प्रसाद से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य, संतों की भाषा में अगर मैं कहूँ तो हनुमान जी महाराज को उसके बाद आए। और वैसे रामनवमी पहले आती है और कुछ समय बाद हनुमान जयंती, हनुमान जी की क्यों आती? क्योंकि अंजना माँ को थोड़ा विलम्ब से मिला,